हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे। तो बायोट सेवर्ट लॉ बेसिकली हम क्या निकालते हैं, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो मान लेते हैं कि आपका कोई वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है। हमें ऑलरेडी पता है कि जब तक करंट नहीं होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो काम नहीं कर सकती है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा था लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और कोई चार्ज खुला घूम रहा है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, तो उस पर फोर्स क्या है होता है, उस पर फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो ये फोर्स हमेशा याद रखें। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा। कोई भी वायर को अगर हमने एक स्ट्रेट वायर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया तब उस पर कितना फोर्स लगेगा, जिसको हमने कहा था आई एल क्रॉस बी हमने कहा था, ठीक है ना। तो अब उसी तरह से हम ये देखने वाले हैं कि अगर एक वायर कोई मैग्नेटिक करंट को फॉलो कर रहा है, लेट अस से इसमें 5 एम्पीयर की करंट बह रही है, तो मुझे बताना है कि इस पॉइंट पी पे उस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर छोटा सा लेंथ काटते हैं इसका, ठीक है। एक छोटा सा हमने लेंथ ले लिया, उसको हम क्या करते हैं, एक रेडियस यहाँ पे फिक्स करते हैं, लेट अस से दैट इज आर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस छोटा सा करंट के लिए हम देखेंगे, ठीक है ना। छोटा सा करंट के लिए हम क्या देखते हैं, डीबी लेते हैं। डीबी इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट है, इनटू आई जो एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड देन डी एल क्रॉस आर हैट ओवर आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे आर हैट क्या है, ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस को काट रखा है, अगर आप उसके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम कहते हैं आर हैट, और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आर स्क्वायर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरह से अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाले थे वो निकाले थे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले Q था और Q क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया किससे, आई डी एल क्रॉस R से। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हमने R हैट का यूज किया था। तो यहाँ पे Q इंटू R हैट, Q स्केलर क्वांटिटी है, R हैट यहाँ पे क्या डी एल के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ गया है। तो इट मीन्स कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी या तो वो क्या करेगी, एक काइंड ऑफ रोटेशन पैदा करेगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए हमें क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है ये बोल रहा है कि जो डीबी है वो आप क्या है, परपेंडिकुलर है, वो किस पे, डी एल से। उसके बाद डीबी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो परपेंडिकुलर किस पे है, आर हेड पे है। मींस कि आपको यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो ऐसे मिलेगी जैसे ये आर आपने डिनोट किया है, तो इसको आप ऐसे ले लें, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रही है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस आर। अब देखिए ये जो डीबी है वो परपेंडिकुलर क्या लेंथ का भी हो गया, ये जो डीएल है वो इस टाइप से लेना है कि ये क्या हो जाएगी आपकी डीबी, इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ जैसे परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो डीबी दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं म्यूनिट ओवर 4 पाई क्या होता है, म्यूनिट ओवर 4 पाई होता है 10^-7, ठीक है। अब उसको आप लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसका, तो इसका यूनिट अगर हम बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी, 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, जिसे आप यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये कोई खास बात नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या और देख सकते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि म्यू नॉट और एप्साइल नॉट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू नॉट है, यहाँ पे एप्साइल नॉट, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो भाई इसको मैं बनाता हूँ 4 पाई एप्साइल नॉट, यहाँ पे होता है म्यू नॉट, 4 पाई बना दिया मैंने। अब ऑलरेडी मुझे पता है कि 1/4 पाई एप्साइल नॉट को हम क्या करते हैं, के कहते हैं, विच केम आउट टू बी, तो ये हो जाएगा 9 × 10^-9, यही होता है ना भाई। और म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्या होगा, 10^-7 होता है, ठीक है। तो जब हम ऐसा काम करेंगे तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ पे +9 होगा, बिकॉज ये k की जो वैल्यू होती है वो 10^9 होती है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 1/, अगर इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो 10^16 विच केम आउट टू बी 3 × 10^8 स्क्वायर। अब जो भी यहाँ मैंने वैल्यू लिया वो क्या है, SI यूनिट में लिया, इसी वजह से ये जो वैल्यू निकलती है वो आपको क्या क्या निकलती है, 1/6 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं ये छोटे छोटे मोटे कॉन्स्टेंट नहीं है, ये बताते हैं कि अगर आपने इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है, वो होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए बायोट सेवर्ट लॉ पे एक हम क्वेश्चन को करते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, इसमें करंट इस टाइप से दौड़ रहा है, ठीक है। अब आपको निकालने के लिए बोला कि भाई ये बताएं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इसकी रेडियस क्या है, मान लेते हैं मैं आर मान लेता हूँ, और ये मेरा मान लेते हैं क्या, लेट अस से ये ए डिस्टेंस है। इस ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि देखिए जो भी मैंने अभी बायोट सावर्ट लॉ लिखा है इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा। इसका इंटीग्रल फॉर्म होने का मतलब ये कि आप यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लगा दें और फिर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगा दें। अब ये डी एल का मतलब क्या होता है, तो पहले हम जरा इस फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ लेते हैं।
तो डीबी अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीग्रल मैंने कर दिया तो ये मुझे देगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड देगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर हैट ओवर आर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो इंटीग्रल हो रहा है वो डीएल पे हो रहा है, बिकॉज डीएल जो है वो क्या है आपका जो भी सब सब काम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लेना वो हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। तो मान लेते हैं कि अगर हमने एक ऐसा लेंथ काट लिया यहाँ पर, ठीक है ना, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक लेंथ काट लेते हैं, सॉरी ये विजिबल तो है नहीं, एक हमने इस तरह से लेंथ एनिमल काट लिया क्या डीएल का, ठीक है। अब अगर मैं डीएल को काटता हूं तो डीएल परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, और प्लस डीएल क्रॉस आर है तो ये भी क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां पे एक आर ले लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, ये आपकी डीएल हो गई और ये जो मैंने आर काटा यहां से यहां तक उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, आर हैट हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा डीबी, जो कि अब परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहां तो बात हो गया, इट मींस कि अब मेरा ये मैंने ऐसा काट लिया है कि ये यहां से एक एंगल टाइप का बन रहा है ना यहाँ पे जी, यहाँ पे देखो तुम एंगल टाइप का बन रहा है, ठीक है ना, ये एंगल बन रहा है, ये 90 हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, करेक्ट, ये 90 होगा। तो अब तुम बताओ कि ये जो डी बी हमने यहां से लिया है वो इससे कितना एंगल बनाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90, और ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, एंड प्लस मान लेते हैं इसको हम x, तो x इज इक्वल टू 180, तो 180 180 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा थीटा, तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो अगर इसको ध्यान से देखने पर मुझे पता चलेगा कि देखो db जो है वो x और y, क्योंकि हमारा हम जब भी काम करते हैं वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो ये मेरा अगर मान लो ये मेरा x जो भी है, ये मान लो कि तुम्हारा x है, ठीक है ना, x है ये, x है ये, लेट अस से y है, ठीक, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते अपने आप को। तो ये x डायरेक्शन है इसका और ये y डायरेक्शन है, तो मैं अगर इस वाले में काटूंगा तो इस वाले में भी यहां से यहां जाएगा, ठीक है ना, और फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। उसी तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो आप देखिए कि जो भी एक्स डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, बिकॉज करंट तो सेम ही है, डीएल आपने यहां काटा है डीएल वो भी सेम होगा बिकॉज एक ही करंट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, खत्म हो गया। जो बचा वो कहां का बचेगा, वो यहां का बचेगा, तो इस तरफ में डीएल गया एंड यहां पे क्या सिमेट्री एक्जिस्ट करता है, तो इट मींस के जहां भी चीज बचेगा आपको कहां बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कि देखो भाई ज्यादा बकवासी मत करो, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको फिगर आउट करने का, इसको बेस्ट तरीका ये है कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ले रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से लो जो कि क्या होगा परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके और इसके। तो अभी तो हमने परपेंडिकुलर ले लिया, लेकिन मैं जब डीबी देखता हूं तो डीबी जो है नेट डीबी क्या निकलता है, ये नेट अगर मैं बोलूंगा नेट डीबी क्या निकलता है, तो नेट डीबी जो निकलेगा वो मुझे क्या मिलेगा डीबी वाई इंटू कॉस थीटा, बिकॉज डीबी का जो कंपोनेंट है वो कहां आएगा इस तरफ आएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा हो गया, अगर मैं डीबी को यहां से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, सब कुछ अब कोई मेंटेंशन लेना नहीं है, मैं यहां पे डीएल बाय डीएल करूंगा और आर स्क्वायर करूंगा, ये आर हैट इसी में सब आ गया, इनटू कॉस थीटा में करूंगा, खत्म, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया वहां पे। म्यू नॉट ओवर 4 पाई, देखो आई भी मेरा कॉन्स्टेंट है, डीएल कहां हो रहा है, ये डीएल यहां पे हो रहा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कहां से होगा, ये इंटीग्रल होगा आपका 0 टू 2 पाई आर से होगा, बिकॉज ये जो घूम रहा है वो इस डायरेक्शन में, अब थीटा का काम नहीं है, ये पूरा पेरीमीटर है, और पेरीमीटर कितना होता है जब डीएल का, तो 2 पाई आर होगा, तो डीएल में क्या आ जाएगा वो 2 पाई आर चले जाएगा। अब ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम चल सकते हैं, ये जो रेडियस देख रहे हैं तुम, ये रेडियस, तो ये जो रेडियस है वो रेडियस यहां पे आएगा, तो मैं यहां पे कर सकता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कर सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कर दिया। अब देखो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो यहाँ थीटा आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू का बी बाई एच, तो बी यहाँ पे आर हो गया, एच क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जी, तो यहाँ हो जाएगा आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल। अब देखो डी एल क्या हो रहा है, सिर्फ इसी लूप में हो रहा है, लूप का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, ठीक है ना, डी एल कहाँ हो रहा है लूप में हो रहा है, लूप को अगर हम क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिर्फ सर्कल मिलेगा, तो सर्कल का वो ये क्या होता है परिधि क्या होता है, इसका जो परिधि होता है सर्कमफेरेंस होता है वो क्या 2 पाई आर होता है, 2 पाई का 2 पाई हो गया, ये आर आर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2, ठीक है ना, और ये आ गया आपका पूरा का पूरा बी। तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इनटू इन सम एट सम डिस्टेंस ए, और अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखेंगे तो वो कहाँ होगा, वो एक्स हैट में आएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड का पूरा चीज निकाल लिया और एक डिस्टेंस भी हमने यहां से फिगर आउट कर लिया कि ये डिस्टेंस आखिरकार क्या है।
तो अब अगर मैं इसको काट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट 2/2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आई आर स्क्वायर ओवर 2 इनटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3/2 इनटू एक्स। अगर मेरी ए जो है वो बहुत ज्यादा हो गई आर से, ठीक है ना, ये आर से क्या हो गया बहुत दूर, मैं अगर देखना चाहता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई ओवर आर स्क्वायर इनटू 2 इनटू ए पर क्यूब ई एक्स। इट मीन्स कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप क्या होगा ए क्यूब से डिक्रीज होना शुरू करेगा, तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ इस टाइप से वेरी करना शुरू करेगा और वो डिस्टेंस इस तरफ भी जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं मानता हूं कि ए अगर मैं जीरो कर दिया, तो अगर ए को मैं जीरो कर दिया, इट मीन्स कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां होगा, वो सेंटर पे निकलेगा। तो सेंटर पे क्या होगा भाई, तो सेंटर पे अगर मैं निकालूंगा तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 इनटू ए जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब बचेगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा क्यूब आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा म्यू नॉट आई ओवर 2 इनटू आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे हो गया तुम्हारा, सेंटर पे हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस टाइप से हम कैसे कैसे क्या करते हैं। और ये वाला जो आप ग्राफ है, ये आप वाला ग्राफ एक बार फिर से ड्रॉ कर लेना कि 1/r³, बिकॉज सॉरी या बिल्कुल सही है, बिकॉज r इज इक्वल टू जीरो पे क्या मिलेगा आपको इन्फिनिटी मिलेगा, तो देयरफॉर अगर मैं r³ का वेरिएशन देखूंगा विद r से, तो ये कुछ ऐसा ही आएगा, ये एक्सपोनेंशियली क्या करेगा डिक्रीज करेगा, उसी तरह से नेगेटिव में क्या हो जाएगा ऐसा आएगा। तो आई थिंक आपको समझ आएगा, नहीं मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। तो अगर मैं इस वाले को ड्रॉ करना चाहूंगा a³ के साथ, तो जैसे जैसे हम a जीरो की तरफ लेके आएंगे तो ये बहुत हाई हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 वो ऐसे करेगा। इट मीन्स कि अगर ए इन्फिनिटी हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ में। थैंक यू वेरी मच।